सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि केंद्र सरकार अभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार हो रही है। सभी बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है, तो इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार अब बेरोजगार युवाओं को खुश करने में जुटी है। केंद्र की मोदी सरकार ने अब युवा बेरोजगारों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 2000 से 3000 रुपये प्रति महीने देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर 15 मार्च से पहले फैसला हो सकता है और इसके साथ ही अगर ये फैसला होता है तो सभी बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में आएगा। इन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सालाना कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका इंतजाम कहाँ से होगा, और इसके साथ ही इस पर भी विचार किया जा रहा है कि बेरोजगारी के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी जाए, क्या 10वीं पास या इसके लिए ग्रेजुएट, क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी लोगों को ही बेरोजगार माना जाएगा या अन्य लोगों को भी, और इसके साथ ही इस मामले से जुड़े कुछ लोग 10वीं पास को बेरोजगार मानते हैं जबकि कुछ लोग ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात कह रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की पारिवारिक जो वार्षिक आय कितनी होगी इस पर भी विचार किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार के जो घोषणा पत्र में वादा किया था उसमें बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, तो इसके लिए तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। स्नातक के पास कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ये भी घोषणा हो चुकी है राजस्थान में कि 1 मार्च 2019 से उनके खाते में जो युवक हैं लड़के उनको तो 3000 रुपये और लड़कियों को 3500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान सरकार मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट युवक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। अब क्या है कि केंद्र सरकार भी आप देखिए कि चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर महीने 2500 रुपये, तो मोदी सरकार अभी बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा कदम साबित हो सकता है। अगर बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 2500 रुपये मिलेंगे तो उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी साबित हो सकती है, तो इस पर जल्दी विचार किया जा रहा है, कमेटी गठित की जा रही है और इसमें जो मैंने आपको कुछ बताए इसमें जो मुद्दे हैं उन पर विचार किया जा रहा है, जो आपको मैंने इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये सभी मुद्दे हैं, इन पर विचार किया जा रहा है और जल्दी इस पर नई घोषणा आने वाली है। तो दोस्तों, जब इसकी कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस अगर केंद्र सरकार इस बेरोजगारी भत्ता को लागू करते हैं तो राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को इसका फायदा हो सकता है, तो लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही इसी प्रकार जो भी आपके हित में लेटेस्ट ताज़ा जानकारियाँ हैं और इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।